रमेश है मुंबई से। नमस्कार रमेश जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है। गुड आफ्टरनून टू यू। आई एम होल्डिंग 1500 शेयर्स ऑफ FCL एट द रेट ऑफ 26 रुपीस एंड आई एम अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। ओके, HCL आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं, कैन यू जस्ट रिपीट आपने किस भाव पे खरीदा है? 20 रुपया। ऑलराइट, बहुत पुरानी खरीद है शायद? नहीं नहीं, नॉट वेरी ओल्ड। HCL टेक की बात कर रहे हैं आप, HCL इंफोसिस्टम्स की? नहीं, FCL फिनोटेक्स केमिकल। ओके, फिनोलेक्स केमिकल, ऑलराइट। हैड्रिन क्या सजेस्ट करेंगे आप? इनकी जो बाइंग प्राइस इन्होंने बताई 26 की है और टोटल इनके पास 1500 स्टॉक्स हैं टोटल। फिनोटेक्स केमिकल्स की बात कर रहे हैं, क्या व्यू रखते हैं आप, चार्ट कैसा लगता है आपको? देखिए, फिनोटेक्स केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जो हम अनफॉर्चुनेटली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट एक JB केम करके एक स्टॉक है जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज पॉइज्ड फॉर अ गुड अपरन फ्रॉम हियर। तो JB केम अगर 370 के ऊपर क्लोज दे तो यू कैन सी अ गुड रन अप फ्रॉम देयर। श्योर, इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ है मिस्टर अतुल। अतुल ने मैसेज किया है फ्रॉम जलंधर। संजीव, उनका सवाल है HCC पर 12,000 और शेयर्स है 26 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है, कंसीडरिंग द आउटलुक ऑन दिस इंडस्ट्री और यहाँ से लेके गोइंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो हैं वो ब्लीक लग रहे हैं आपको, और यू हैव अ डिफरेंट आइडिया, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? द स्टॉक हैज शोन रन अप ऑलरेडी इन लास्ट से मे बी 2 months और 36 और लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। जी, HCC में लास्ट 2 months इफ यू सी द आर्बिट्रेशन अमाउंट दे हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट्स अराउंड 3,100 odd crore, सो इट विल गिव अ फिलिप टू द कंपनी टू ब्रिंग डाउन देयर ओवरऑल डेट पोजिशन विच इज अराउंड 4,600 crore। तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात निकल के आई है HCC के लिए, और हालांकि ये स्टॉक बहुत ही रनअप कर गया है लास्ट 2 months में, नियर टर्म अपसाइड कुड बी कैप्ड, बट आप अगर नीति आयोग के कमेंट्री देखें तो दे हैव गिवन द थ्रस्ट एरिया फॉर द गवर्नमेंट टू रिवाइव द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां पे HCC एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट होराइजन हो 8 to 12 months का तो बने रहिए, अगर एक शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन के लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू बुक प्रॉफिट इन HCC एंड शिफ्ट टू बिगर प्लेयर लाइक LNT। ऑलराइट, तो आपके होराइजन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, फिलहाल दिहाई के आसपास ही HCC, हालांकि लाल निशान में देखने को मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा समय इसे दे सकते हैं। अगले दर्शक है सागर हरियाणा से। नमस्कार सागर, पूछिए क्या सवाल है आपका। सागर पूछ सकते हैं आप अपना सवाल, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन सवाल हमें SMS के जरिए भी मिले हैं, और सवाल है आरिफ का। आरिफ अनवर लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं, ऑर्किड फार्मा पर ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 44 पर ले हुए हैं। संजीव, व्हाट वुड यू सजेस्ट? इनफैक्ट हैड्रिन, आपसे मैं राय लेना चाहूंगी। ऑर्किड फार्मा 44 की इनकी खरीद है, थोड़ा लॉस जरूर हो रहा है, आज के सेशन में 4% की कमजोरी है, 38 और लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। देखिए, ऑर्किड फार्मा कॉन्स्टेंटली एक डिक्लाइनिंग मोड पर है एंड नाउ इट इज सिंस द स्टार्ट ऑफ 2015 द डिक्लाइनिंग मोड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। हालांकि 4 दिन पहले 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ऑर्किड फार्मा इन माय ओपिनियन शुड बी अ स्टॉक शुड यूज एवरी रैली टू एग्जिट, एंड एज आई हैड अर्लियर सजेस्टेड ऑरोबिंदो फार्मा इज अ बेटर बेट अमॉन्ग द फार्मा स्टॉक्स, सो यू कैन शिफ्ट फ्रॉम ऑर्किड फार्मा टू ऑरोबिंदो फार्मा। ऑलराइट, तो ऑरोबिंदो फार्मा बेटर ऑप्शन हो सकता है, ऑर्किड फार्मा से निकल जाने की सलाह आपको दी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक लिया रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उर्जित पटेल की डेब्यू पॉलिसी पर सबकी नजर है, लगभग 1.25 घंटे का समय रह गया है, 2:30 बजे पॉलिसी आनी है, उससे ठीक पहले कौन से स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए।